दोस्तों इस वक्त हम दाना डालने वाले हैं जो आज़ाद परिंदे हैं दोस्तों, जो हमारे घर के आसपास रहते हैं उनके लिए हम थोड़ा सा दाना हमारी दीवार के ऊपर डाल देते हैं। दाना डाल दिया है दोस्तों, अब वो आएंगे और खा लेंगे। दोस्तों यहाँ पे कुछ डव बर्ड्स आपको पहले भी वीडियो में मैंने दिखाया था, वो आए हुए हैं। मैंने दाना डाला हुआ था हमारी बजीस का, तो बड़े मज़े से ये बजीस का दाना खाते हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं बड़े ही मज़े से ये खा रहे हैं और बहुत नज़दीक हूँ दोस्तों मैं, फिर भी ये कहीं भी नहीं भागते। थोड़ा सा अगर नज़दीक जाऊँ तब जाके ये दोस्तों भाग जाते हैं। दोस्तों अभी हमारी जो बर्ड्स है वो मटकिया के ऊपर बैठ रही है, नए वाले जो बच्चे हैं अभी वो जल्द से जल्द अंडे नहीं देंगे क्योंकि अभी उनको इंतज़ार करना है 2 से 3 महीना। और हमारे जो आज येलो वाली और वाइट वाली पेयर है, हमें उसमें उनने मटकियों में कितने एग दिए हैं वो भी देखना है। और इस वाली बर्ड जो आपको ग्रीन कलर की दिख रही है ब्लू वाली के बाजू में, इसने फिर से अपनी मटकी चेंज कर दी है। ये तीसरी बार इनने अपनी मटकी चेंज की है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? ठीक है दोस्तों, आज हम अपने बर्ड्स का जो वाइट वाला पेयर था उनकी मटकियों में चेक करने वाले हैं कि कितने एग हुए हैं। तो आइए दोस्तों चेक कर लेते हैं। दोस्तों इस वक्त हमने यहाँ पे पानी रख दिया था और बर्ड्स का भी हम कैमरा डाल के देखने वाले हैं कि एग कितने हुए हैं। दोस्तों मुझे लगभग यहाँ पर 4 एग नज़र आ रहे हैं, येलो और वाइट मेल का ये दोस्तों मटकी है। देख सकते हैं आप लोग बहुत ही क्लियर तरीके से इसमें दिखा रहा है। और यहाँ पे हमारे जो बर्ड्स है वो बाहर आ गए हैं और येलो वाला जो लाइट येलो बर्ड है फीमेल है वो भी यहाँ बैठी हुई है। अभी अभी यही थी दोस्तों, ऊपर जाके बैठ गई है ये। मैं दिखाता हूँ आपको एक बार अच्छी तरीके से, क्योंकि मोबाइल का कैमरा दोस्तों सही से नहीं आ रहा था मुझे पकड़ में। देख सकते हैं दोस्तों ये येलो वाली बर्ड ब्लू वाली बर्ड के बिल्कुल ही बाजू में है, रेड आईज है दोस्तों। इनके जो बच्चे होंगे दोस्तों बहुत ही यूनिक कलर रहेगा क्योंकि इनका वाइट वाइट पेयर है दोस्तों, येलो भी लाइट कलर है इस वजह से। चलो चलते हैं अभी हम दोस्तों बाहर। दोस्तों इस वक्त जो है हमारे लेमन का जो ट्री है आप देख सकते बहुत ही हरा भरा हो गया है। बारिश का मौसम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से था, इस वजह से पानी बहुत अच्छा मिला इसे। और हमारा दरख्त देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हुआ और नींबू भी बहुत सारे लगे हुए हैं दोस्तों इसके ऊपर। और अभी सारे ही झाड़ में जो है नींबू लगे हुए हैं और जितने भी कीड़े थे वो सब भी नहीं है दोस्तों अभी, क्योंकि रेगुलर पानी मिल रहा था इसे। दोस्तों हमने अपनी मछलियों के लिए जो हमने मछलियाँ लाई थी उसके लिए वाटर प्लांट्स लाए हुए थे, तो चलिए आपको बताते हैं। जो वाटर प्लांट्स है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, तो दिखाता हूँ दोस्तों आप लोगों को। दोस्तों ये हमने जो अपनी मछलियों के लिए लाए हुए थे, हमारी मछलियाँ तो मर गई लेकिन ये प्लांट्स जो है लाइव प्लांट्स है दोस्तों। अभी हम फिर से मछलियाँ लाने वाले हैं और उसे नल के पानी में नहीं दोस्तों, या बोरिंग के पानी में, या 4 से 5 दिन पुराना पानी उसमें डालने वाले हैं इन्हें भी और मछलियों को भी दोस्तों हम डालेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और देखते रहिए रजा पेट्स।